आपको डैडी इश्यूज हैं? म्यूजिक डैडी इश्यूज? मुझे डैडी इश्यूज के बारे में कुछ नहीं पता। डैडी इश्यूज मेरे घर में तो डैडी का एक ही इशू होता है, लौंडा कितने बजे घर से निकला और कितने बजे घर में घुसा और घुसते हुए स्मेल आई कि नहीं। डैडी इश्यूज इन मिलेनियल टर्मिनोलॉजी मींस वुमेन हु डेट ओल्डर मेन, या फिर वुमेन जो अपने सेक्सुअल पार्टनर्स को बोलती हैं डैडी। बट दिस इज ऑफन यूज्ड इन अ डेरोगेटरी वे। कुछ ना कुछ करते रहो बेटा, कुछ ना कुछ करोगे तो कुछ ना कुछ निकलेगा निकलेगा। ब्राउज़र पे या फिर लाइफ में? दोनों जगह। ब्राउज़र हिस्ट्री? Some people may also relate it to sugar daddy. And of course, that's a whole porn category and also a whole new discussion. Remember Beck from Netflix ka show You? Beck in season 1 says girls with daddy issues are great in bed. And oftentimes, daddy issues are related to something that's sexual. But daddy issues aur sex ka koi lena dena nahi hai. Toh phir daddy issues kya hai? Agar aapke father, aapke pitaji, आपकी जिंदगी के शुरुआत के सालों में, आपके बचपन में फिजिकली या इमोशनली एब्सेंट हो, व्हिच लीड्स टू द वुमेन व्यूइंग ऑल द मेन इन हर लाइफ डिफरेंटली बिकॉज़ शी डजंट नो हाउ टू बिल्ड अ रिलेशनशिप। बट कैन डैडी इश्यूज ओनली हैपन टू वुमेन? डैडी इश्यूज सारे जेंडर्स को इम्पैक्ट करते हैं, मेल फीमेल LGBTQIA+ किसी भी जेंडर को इम्पैक्ट करता है। लेकिन आज हम बात करेंगे कि ये डैडी इश्यूज एक लड़की की जिंदगी, एक फीमेल की जिंदगी को कैसे इम्पैक्ट करते हैं, उनकी सोशल पर्सनल प्रोफेशनल उनकी रिलेशनशिप को कैसे इम्पैक्ट करता है। What are the signs that you may have daddy issues? You are interested in much older men, which is okay. अगर मेरी जिंदगी में एक मेल, मेरे फादर एब्सेंट थे इमोशनली या फिजिकली मेरे चाइल्डहुड में, तो मुझे बहुत दिक्कत होती है मेल्स के साथ रिलेशनशिप बनाने में, क्योंकि मुझे पता नहीं होता है कि मैं कैसे अपने इमोशंस को नेविगेट करूं। मैं शायद अनसेफ फील करूंगी जब आदमी आसपास हो, मर्द आसपास हो, या तो मैं बहुत ही एग्रेसिव हो जाती हूं मेल्स को लेकर, या मैं बहुत सबमिसिव हो जाती हूं मेल्स को लेकर, क्योंकि एक हेल्दी रिलेशनशिप मैंने देखा नहीं है। यू कॉन्स्टेंटली लव अब्यूजिव पार्टनर्स? नॉट ओके। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मुझे रिलेशनशिप्स में, रोमांटिक रिलेशनशिप्स में बहुत दिक्कत हो जाती है। कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है, मुझे नहीं पता कैसे हैंडल करना है। कोई अगर मुझे ज़्यादा प्यार भी करता है तो भी थोड़ी दिक्कत हो जाती है, बिकॉज आई एम नॉट यूज्ड टू इट। तो काफ़ी बार मुझे मल्टीपल रिलेशनशिप्स होने के चांसेस है, क्योंकि मुझे अटैचमेंट इश्यूज बन सकते हैं। ये इशू किसी में भी हो सकता है, मेल हो, फीमेल हो, कोई और जेंडर हो। इट जस्ट व्हेन योर फादर इज इमोशनली और फिजिकली एब्सेंट, आपको नहीं पता कि मैं मेल्स के साथ कैसे रिलेशनशिप बनाऊँ। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड डैडी इशू। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए अनकट को। मेरा नाम है सानिया और आप ये वीडियो देख रहे थे अनकट पर।